बॉलीवुड क्रेजी साथ में बात करने वाला हूँ आप लोगों से छिछोरे फिल्म के बारे में, लेकिन छिछोरे फिल्म के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा इस फिल्म के ऊपर लेकर जो मीम्स बन रहे हैं उनके बारे में। जी हाँ, कुछ लोगों ने मुझे टैग किया है ट्विटर पर और कुछ पोस्ट किया है और मैंने भी कुछ चीज़ें ढूंढ के निकाली है उसके बारे में, और रिप्लाई देने के लिए भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ें निकाली है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इस तरह की जो पोस्ट है उस पर टैग मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है और ये दर्शाती है आपकी मेंटेलिटी। और चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर क्या चीज़ें हैं और क्यों थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा है। आपको ये पोस्ट ये ध्यान से देखिएगा, अभी अचानक देखिए क्या हो गया। अब अचानक सभी चेहरे बदल गए हैं, हर एक चेहरे पर सलमान खान छपे हैं, 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। और लिखा है क्रिमिनल का दम, क्रिमिनल की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, और यहाँ पर सामने लिखा है कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, ओरिजिनल पोस्टर में, ठीक है। और उसके बाद लिखा है छिछोरे, उसके बाद लिखा है डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी, ठीक है, और प्रोड्यूस बाय साजिद नाडियाडवाला। उसके बाद यहाँ पर लिखा है नेशनल छिछोरे, ठीक है, प्रोड्यूस बाय शेरा, 28 दिसंबर, आई मीन जब सलमान खान का बर्थडे होता है। यानी किसी ने अपनी जो भड़ास है दिल की बहुत अच्छे से निकाली है, अच्छा खासा वक्त ज़ाया करके, फ़ोटोज़ निकाल के, 2 3 घंटे अपने बर्बाद करके ये कमाल की बात की है। आपको क्या लगता है, मुझे ताली बजानी चाहिए तो मैं ताली बजा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने भी कुछ चीज़ें ढूंढ के निकाली जो नेट पे ट्रोल हो रही है, और दूसरी चीज़ में यहाँ पर मैंने ये देखा है कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, ठीक है। यहाँ पर अक्षय कुमार के पोस्टर्स हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ऑफकोर्स ठीक है, दोनों के हिसाब से यहाँ पर भी अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया गया है जिसने भी वेस्ट किया है अपना। लेकिन मेरी सोचने की बात ये आती है मेरी कि यार इतना इतना फालतू के दिमाग लगाने से क्या फ़ायदा होता, कुछ अच्छी चीज़ें बनाने में क्या जाता है आपका, राइट। अगर आपको सही में मीम्स बनानी है, सही में कुछ बनाना है, तो पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं लेके बनाते हो, ये एक्सप्रेशन दिखा के, ये एक्सप्रेशन दिखा के, अपने अपने अलग तरह का, या इस तरह के एक्सप्रेशन दिखा के क्या मतलब है। ये एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार इज़ ए बिग एक्टर, सलमान खान इज़ ए बिग एक्टर, दोनों बड़े एक्टर हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं अपनी फिल्मों के लिए, और दोनों फ़िलहाल बॉलीवुड में बहुत आगे है, जो चीज़ करते हैं करोड़ों लेते हैं। आपको आपका क्या जा रहा है, आपने आपका तो उल्टा वेस्ट हो रहा है ना, आप तो टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं ट्रोलिंग में, पता नहीं क्या मज़ा आ जाता है। और ट्रोल ठीक है करो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे को, मुझे अगर बिना मतलब का टैग करोगे, फिर मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, जब मैं जवाब देने पर आऊँगा ना, आप सब की बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है। और मैं ये सीधा सीधा बता रहा हूँ, तो आइंदा बिना मतलब की बकवास चीज़ों को टैग मत करो, और कोशिश करो कि अगर किसी चीज़ को सही में ट्रोल करना है तो अच्छी चीज़ को ट्रोल करो। और आपको पता ही है इंडिया में मी टू मूवमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है, जहाँ पे कई सारे लोगों के खिलाफ कई सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही है, कई सारी महिलाएं कई सारे पुरुषों के अगेंस्ट में खड़ी हो रही है कि उनके साथ ज़बरदस्ती की है, ये किया है, वो किया है, नाना पाटेकर हो या बहुत सारे जो भी केसेस हैं उसके खिलाफ खड़ा होना एक अच्छी बात है। उस पर मुझे किसी एक बंदे ने भी टैग किया होता तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती मी टू मूवमेंट पर, लेकिन नहीं, आपको तो टैग करना है इस पर, आपको तो टैग करना है इस पर, तो ठीक है करो टैग, मैं भी इसी तरह से वीडियो बनाऊंगा। चलिए फिलहाल कितना ही।